बरेली के नवाबगंज में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बसपा प्रत्याशी चहला ताहिर ने सपा के प्रत्याशी सादिया एजाज पर लगाए गंभीर आरोप। नगर की बहुचर्चित महिला बसपा प्रत्याशी चहला ताहिर ने सपा के प्रत्याशी सादिया एजाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके चुनावी सभा कार्यालय में रात के करीब 1 बजे सपा के पूर्व विधायक भगवत शरण की सतह पर सादिया एजाज के समर्थकों ने उनके कार्यालय पर आग लगा दी। इस संबंध में जब पत्रकारों ने सादिया एजाज से बात की तो उन्होंने कहा कि बसपा प्रत्याशी चहला ताहिर ने झूठे आरोप लगाए और झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया है। सपा के नगर अध्यक्ष एन ए अंसारी ने बताया कि यह बसपा प्रत्याशी की साजिश है क्योंकि वो इस बार चुनाव हार रही है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से मुसलमान सेंट्रलाइज हो जाए क्योंकि मुसलमान पिछले 20 साल से इनके साथ जुड़ा रहा है। पिछले 5 सालों में जिस तरह तैमूर सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कराई, सैकड़ों लोगों को दबाने का काम किया, धमकाया, जो भी लोग जो काम करते हैं उनके कारोबार पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों ने जब ये एहसास करा दिया उन्हें कि अब इस बार में बार बार धोखा खाने वाले हम नहीं हैं, तो इन्होंने ये कोशिश की है कि किसी तरह से का माहौल बने और इन्होंने खुद ही आग लगाकर नाटक करना शुरू किया। और इस तरह की कार्रवाई कोई पहली कार्रवाई नहीं, हमेशा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते रहे। इनका काम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को छलना, धोखा देना और अपना उन्हें सीधा करना है।